निर्बीजहोना मूलमंत्रहो मुक्ति सदा हो ध्येय। प्रतिक्षण मन में साक्षी भाव हो, भोक्ता भाव विजेय। निर्बीज हो ना मूल मंत्र हो, मुक्ति सदा हो ध्येय। प्रतिक्षण मन में साक्षी भाव हो, भोक्ता भाव विजेय। निर्बीज होना मूल मंत्र हो, ध्यान का उद्दिष्ट ही यही है। ध्यान के माध्यम से निर्बीज होके रहना है। दिन भर जीवन भर जो जो क्रियाएं जो जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, जो जो काम कर रहे हैं, उसमें बीज ही तो बन रहे हैं। आशाओं के बीज, आकांक्षाओं के बीज, राग के बीज और द्वेष के भी बीज। जाने अनजाने में ये बीज बोए जाते हैं और उन्हीं बीजों की फसल समय रहते उग आती है। परिणाम वही तो आएंगे जो बीज हमने बोए हैं। बीज बोते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। अगर नीम का पेड़ आया है तो नीम के ही बीज भूतकाल में बोए गए हैं। जीवन में अगर दुख है तो दुख के ही बीज भूतकाल में बोए गए हैं। भविष्य में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए तो आनंद के बीज सुख के ही बीज बोने पड़ेंगे। अगर मुक्ति चाहिए तो बीज बोने का कार्य बंद होना चाहिए। जो भी जीवन में घटे, रोजमर्रा की जीवन में जो जो घटे, उसकी तरफ शांति से, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से बस देखने का नाम ही ध्यान है। निर्बीज होना मूल मंत्र हो, मुक्ति सदा हो ध्येय। मुक्ति ही ध्यान का ध्येय है। राग से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, भय से मुक्ति और तान तनाव से ही मुक्ति ही मुक्ति। इसलिए क्या करना होगा? साक्षी भाव धारण करना होगा। प्रतिक्षण मन में साक्षी भाव हो, भोक्ता भाव विजयी। कोई भी वस्तु ले, शरीर का कौन सा भी भाग ले और उसके ऊपर
अपना ध्यान केंद्रित करें। चाहे तो सांस ले सकते हो, चाहे तो अपनी नाभि ले सकते हो, चाहे तो हाथ या पैर में से शरीर का कोई भी अंग चुन सकते हो। उद्दिष्ट एक ही हो, उस वस्तु की तरफ, उस अंग की तरफ मैं सिर्फ देखूंगा। भोक्ता भाव पूरी तरह से मिट जाना चाहिए और साक्षी भाव का उदय होना चाहिए। अंग कौन सा भी रहे, साक्षी भाव से बस देखते रहे, देखते रहे और देखते ही रह जाए। अगले 10 मिनट तक यह देखने का कार्य बड़ी शांत स्थिति में करना है, करते ही रहना है। साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव।
निर्बीज होना मूल मंत्र हो, मुक्ति सदा हो ध्येय। प्रतिक्षण मन में साक्षी भाव हो, भोक्ता भाव विजेय। हर समय भोक्ता बने ही तो हम रहते हैं। भोक्ता बनकर वस्तुओं को, चीजों को, घटनाओं को हम भोगते ही तो है। जहां जहां भोगना है वहां वहां कुछ ना कुछ मांग है, कुछ ना कुछ डिमांड है। और जहां तक मांग रहेगी वहां तक प्यास रहेगी। और जब जब मन में प्यास है तब तब मुक्ति नहीं है। इस प्यास से, इस मांग से, इस आसक्ति से मुक्ति, यही ध्यान का उद्दिष्ट है। ऐसे ही बैठे रहेंगे, साक्षी भाव से अपने ही मन की तरफ देखेंगे और ये मन क्या कर रहा है? कुछ मांग तो नहीं रहा, कोई अपेक्षा तो नहीं कर रहा। इसकी तरफ शांति से देखेंगे। अगले 10 मिनट तक साक्षी बनकर, मन के साक्षी बनकर शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना। मन कोई अपेक्षा तो नहीं कर रहा, मन कोई मांग तो नहीं कर रहा, बस यही देखना है। Thank you.
प्रतिक्षण मन में साक्षी भाव हो, भोक्ता भाव विजेय। अब ध्यान किया है, ध्यान में मन को आदत डाली है कि साक्षी कैसे रहे। अब इस स्थिति को दिन भर जीना है, टिकाना है, अवलंब करना है कि दिन भर कोई भी कार्य होए, उस कार्य में मैं साक्षी बन के रहूं, उस कार्य में मैं तटस्थ बन के ही रहूं, उसे भोगू नहीं। इसलिए अगले 5 मिनट के लिए यही प्रयास करेंगे कि शरीर में जो जो हलचल मालूम पड़ रही है, अंदरूनी अंगों की हलचल, सांस की हलचल, बाहर से जो आवाजें सुनाई दे रही है, जो जो घट रहा है, उस सब के प्रति सिर्फ साक्षी बनकर रहेंगे। आवाज सुनाई दी तो जानेंगे कि आवाज आ रही है, अंदर से हृदय की धड़कन सुनाई दी तो सिर्फ जानेंगे कि धड़कन सुनाई दे रही है। आवाज अच्छी है या बुरी है, ऐसी होनी चाहिए थी या ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसके बाबत नहीं सोचेंगे। जो है जैसा है शुभ है। सिर्फ देखना है अगली 5 मिनट तक शांत रहे।
यही साक्षी भाव मन में कायम रखते हुए धीरे धीरे ध्यान को छोड़ेंगे। हाथों के तलवे एक दूसरे पर मलिए, चेहरे पर रखिए, उसमें धीरे से आंखें खोले, साक्षी रहे, साक्षी रहने का प्रयास जारी रखे, जारी रखे। धन्यवाद।